सैयद राजा पुलिस को कंटेनर में मिली 2 करोड़ की अवैध शराब, तस्कर हुए फरार। खबर चंदौली से। जनपद के सैयद राजा पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान के दौरान एक कंटेनर में भारी मात्रा से अंग्रेजी शराब तथा बियर बरामद हुई है। शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस संबंधित मामले में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई में लग गई है। थाना सैयद राजा में 8 तारीख को चेकिंग के अभियान के अंदर पुलिस द्वारा और आबकारी टीम द्वारा मिलकर एक ट्रक पकड़ा गया, जिसमें लगभग 628 जो बक्से थे वो इंग्लिश लिकर के थे, विस्की के थे, और लगभग 86 बॉक्सेस जो थे वो बियर के थे। इन सभी बॉक्सेस के ऊपर ओनली फॉर सेल इन हरियाणा लिखा हुआ था। तो ये पता लगा, जानकारी प्राप्त हुई कि ये सारा जो माल है ये हरियाणा से स्मगल होके बिहार की तरफ जा रहा था, और चंदौली डिस्ट्रिक्ट में हाईवे के ऊपर जब पुलिस द्वारा चेकिंग की गई तो इस ट्रक को सीज किया गया और इसमें से ये सारा माल बरामद हुआ है। इसकी सभी फॉरवर्ड और बैकवर्डेज लिंकेजेस के ऊपर पुलिस काम कर रही है कि किसके द्वारा माल भेजा गया और किसको ये माल आगे जा रहा था, और इन सभी के ऊपर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह के जो स्मगलिंग के द्वारा, लिकर स्मगलिंग के अंदर जो इन्होंने संपत्ति बनाई है, सभी के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आदर्श ग्राम नागेपुर में विधायक ने किया आशा पुस्तकालय का उद्घाटन। खबर वाराणसी के मिर्जा मुराद से है। आशा ट्रस्ट व लोक समिति के सहयोग से प्रधानमंत्री आदर्श नागेपुर के लोक समिति आश्रम में मंगलवार को आशा ज्ञान पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। पुस्तकालय का उद्घाटन सेवापुरी के विधायक नील रतन पटेल नीलू जी ने फीता काट के किया। खबर सोनभद्र से। सर्वधर्म समभाव के संकल्प के साथ भिखारी आश्रम रामगढ़ गुरौटी रोड पर शिव सरोवर स्थित शिव मंदिर प्रांगण में मंगलवार को 10वें दिन शिव पुराण महायज्ञ में जयकारे लगाते हुए भक्तगणों ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा की। इसके अलावा आचार्य जी के जरिए रुद्र अभिषेक कराया गया। शिव पुराण की कथा सुनकर भक्तगण भाव विभोर हो गए। वहीं श्रद्धालुओं ने भंडारे के प्रसाद ग्रहण किया। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश, 2 कर्मियों के ठिकानों पर छापा। खबर लखनऊ से। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लखनऊ पुलिस ने अब्बास की तलाश में दिल्ली, गाजीपुर, मऊ समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस ने अब्बास के 2 करीबी व्यापारियों जुगनू बलिया व यूसुफ के घर पर भी छापेमारी की। हालांकि विधायक का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने अब्बास की तलाश में 18 ठिकानों पर छापेमारी की। एसपी महानगर जया साडिल ने बताया कि विधायक अब्बास की तलाश में कई टीमें गठित हो गई है। अंग्रेजों भारत छोड़ो के दिन बीजेपी भगाओ की शुरुआत। अखिलेश, बिहार से आया बीजेपी का भगाओ का नारा, बीजेपी को उसी अंदाज में बिहार से मिला जवाब। खबर लखनऊ से। भारत छोड़ो के दिन बीजेपी भगाओ की शुरुआत, बिहार पर अखिलेश का तंज। बिहार में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने बिहार में नीतीश के इस्तीफे और NDA गठबंधन टूटने को बढ़िया शुरुआत कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि अलग अलग राज्यों में राज तिलक पार्टियां और जनता जल्द ही बीजेपी के खिलाफ खड़ी होगी। अभी तक बीजेपी सरकारों को तोड़ती रही है, विधायकों को खरीद कर सरकारें बनाती रही है। बिहार के लोगों ने बीजेपी को बड़ा सबक सिखाया है। चुनी हुई सरकार को तोड़ने वाली बीजेपी को उसी के अंदाज में बिहार से जवाब मिल गया है। वाराणसी में मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल, जमकर चले ईंट पत्थर, दर्जनों घायल। खबर वाराणसी के मिर्जा मुराद से है। वाराणसी में भारी सतर्कता और सुरक्षा की घेराबंदी के बाद भी मिर्जा मुराद इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान बवाल हो गया। मिर्जा मुराद के करगना बाजार में ताजिया ले जाते समय जामुन का पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद ने उग्र रूप ले लिया। मारपीट के दौरान जमकर पथराव हुआ। ईंट पत्थर के साथ साथ हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। बवाल में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। ताजिया दौड़ा कर ले जाने के चक्कर में ताजिया भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार पता चला कि पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद भी पत्थरबाजी होती रही। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। बताया जाता है कि जनसा के नई बस्ती से ताजिया के साथ मुहर्रम का जुलूस मिर्जा मुराद के करगना बाजार में पहुँचा था। आजमगढ़ से ISI आतंकी गिरफ्तार, स्वतंत्रता दिवस पर थी धमाके की योजना। ओवैसी के पार्टी का सदस्य है शहाबुद्दीन। खबर लखनऊ से। यूपी एसटीएफ की टीम ने आजमगढ़ से ISI से जुड़े एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। इसका नाम शहाबुद्दीन आजमी है। पूछताछ में उसने कई गंभीर राज उगले हैं। वह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बम विस्फोट की साजिश रच रहा था। इसके साथ ही उसके निशाने पर RSS के कई लोग थे। शहाबुद्दीन मौजूदा समय में ओवैसी पार्टी के IMSI का सक्रिय नेता है।
एसटीएफ की टीम साहबुद्दीन को मुख्यालय लाकर पूछताछ कर रही है। अगस्त क्रांति के स्मृति में बनारस कांग्रेस आजादी गौरव यात्रा, खबर वाराणसी से। अगस्त क्रांति स्मृति में बनारस कांग्रेस के तत्वाधान में 9 अगस्त को आजादी गौरव यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के गृह आवास रामनगर स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेस आजादी गौरव यात्रा का शुभारंभ किया गया, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर महामना मदन मोहन मालवीय जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समाप्त किया गया। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के आवाज से जय जवान जय किसान के नारे के साथ कांग्रेस गौरव आजादी यात्रा का शुभारंभ किया गया। श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान में देश के जवान के ऊपर संकट है, किसान के ऊपर संकट है, महंगाई बेरोजगारी से देश जूझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तय किया है कि गौरव यात्रा के माध्यम से देश के लोगों को जागरूक करेंगे। संवाददाता भावेश सिंह की रिपोर्ट। आज अगस्त क्रांति है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आजादी गौरव यात्रा निकाल रही है। आज बनारस कांग्रेस के लोगों ने जो अगस्त क्रांति में सीधे तौर पर शामिल रहे लाल बहादुर शास्त्री जी के आवास से इस यात्रा को शुरुआत किया गया है। जय जवान जय किसान के नारे के साथ आज देश के अंदर जवान के ऊपर संकट है, किसान के ऊपर संकट है, देश महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस अध्यक्षा ने यह तय किया कि हम आज़ादी गौरव यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को तैयार करेंगे, एक बार पुनः इस देश को, जो देश के जवानों को संकट में डालने वाले लोगों को, देश के किसानों को संकट में डालने वाले लोगों को, देश के नौजवानों को बेरोजगारी की दिशा में झोंकने वाले लोगों को, देश के किसानों के को संकट में डालने वाले लोगों को इस देश से उखाड़ फेंक करके एक बार फिर गांधी नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री पटेल जी की जो मनसा है, जो उनके विचार है, उनके अनुरूप भारत के निर्माण की दिशा में, जो भारत के निर्माण की गति रुक गई है, जो कांग्रेस के नेतृत्व में भारत के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी और भारत को तरक्की के रास्ते पर ले जाया गया था, आज वो रुका है, उसको भगाने का काम करेंगे और देश को पुनः तरक्की के रास्ते पर, खुशहाली के रास्ते पर, नफरत की राजनीति को समाप्त करके भाईचारे के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। खबर वाराणसी से। दसवीं मुहर्रम पर मंगलवार को शहर से लेकर गांव तक या हुसैन अलविदा या हुसैन की सदाएं गूंजती रही। तकरीबन 1000 से अधिक छोटे बड़े ताजिया इमाम चौक से उठाए गए। इन ताजियों को जुलूस की शक्ल में दरगाहें फातमान सदर इमामबाड़ा लाट सरैया तेलियाना घाट व शिवाला घाट समेत ग्रामीण इलाकों की करबला में पहुंचकर ठंडा करने का दौर समाचार लिखे जाने तक चलता रहा।